Hello students, in our series Money and Banking, today I am going to discuss how commercial banks can create credit in the economy, means the credit creation process. Kaise commercial banks apni primary deposit se secondary deposit generate karte hain. In my previous video I have told you that primary deposit wo paisa hota hai jo public jama karati hai commercial banks mein. तो प्राइमरी डिपॉजिट से लोन्स कैसे क्रिएट करती है और कितना लोन क्रिएट कर सकती है वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने से पहले मैं आपको अजम्पशंस बता दूं. ऑन टू अजम्पशंस वी आर वर्किंग टुडे. द फर्स्ट वन इज ऑल बैंकिंग मतलब ऑल बैंक्स आर वन यूनिट. हम पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक यूनिट के तौर पर लेकर चल रहे हैं. मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीएनबी एसबीआई एचडीएफसी किसी पर्टिकुलर बैंक के बारे में बात नहीं हो रही है. देश के सभी बैंक्स एक यूनिट के तौर पर हम ले रहे हैं. देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस मॉडल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस. सो आवर फर्स्ट अजम्पशन इज ऑल द बैंक्स ऑफ इकोनॉमी आर वन यूनिट. एंड द सेकेंड अजम्पशन यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं वो ये कि सारी पेमेंट्स और रिसीप्ट्स जो थी वो बैंक के थ्रू हो रही. अगर हम इन अजम्पशंस पर चलेंगे तो ही आप इस मॉडल को समझ पाएंगे कि हाउ बैंक्स आर क्रिएटिंग क्रेडिट इन द इकोनॉमी. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि बैंक्स नेवर गिव द लोन इन टर्म्स ऑफ कैश. बैंक कभी भी आपका लोन सेंक्शन करने के बाद आपको उतनी अमाउंट कैश के तौर पर नहीं देता है. वो सिर्फ आपके लिए आपके फेवर में एक अकाउंट खोलता है और उसमें ग्रांटेड लोन के अमाउंट को क्रेडिट किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. इस टेबल के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि कैसे लोन क्रिएट करते हैं बैंक्स. हियर वी हैव टेकन आवर रिजर्व रेशियो 20%. इन माई दिस मॉडल आई हैव टेकन दिस 20%. दिस इज assumed percentage. ये इस मॉडल के लिए assumed है. हमने स्टार्ट किया इसको कि सपोज बैंक्स आर हैविंग 10,000 एज अ प्राइमरी डिपॉजिट. बैंक के पास जो पब्लिक ने पैसा जमा कराया है वो 10,000 रुपीज है. बैंक्स अब इस 10,000 रुपीज को पर इंटरेस्ट भी देंगे. सो बैंक सपोज इस पर 5% इंटरेस्ट देते हैं जिन भी लोगों ने इसको जमा कराया है उस पर. तो बैंक ये 5% इंटरेस्ट कहां से देगा? बैंक इस अमाउंट को एज अ लोन आगे अप्रूव करता है और उससे इस परसेंटेज से ज्यादा परसेंटेज पर इंटरेस्ट गेन करता है. एंड दिस इज सपोज इस 10,000 को आगे लोन के तौर पर देकर बैंक 7% लोन ले लेता है सॉरी इंटरेस्ट ले लेता है. तो ये जो 2% बचा दिस इज द अर्निंग ऑफ द बैंक. बैंक अपने इस प्रोसीजर में इस तरीके से पैसा कमाता है. अब हम इस प्रोसीजर को समझेंगे कि कैसे ये लोन जो है बैंक सेंक्शन करता है आगे. बैंक के पास सपोज 10,000 रुपीज है एज अ प्राइमरी डिपॉजिट. बैंक अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से ये जानता है कि लोग जो है वो 20% से ज्यादा पैसा नहीं निकालेंगे एट अ टाइम फ्रॉम द बैंक. क्योंकि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम अपने उस सारे पैसे को एक साथ विड्रॉ नहीं करते हैं. सो बैंक अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से यहां पर इस एग्जाम्पल में ये है कि 20% से ज्यादा नहीं निकालेंगे. तो बैंक एज अ सिक्योरिटी अपने पास रिजर्व 10,000 का 20% 2,000 रुपीज अपने पास रखेंगे और 8,000 रुपीज जो है वो बैंक लोन सेंक्शन कर सकता है. सरप्लस है ये बैंक के पास ये पैसा. बैंक इसको लोन के तौर पर आगे फॉरवर्ड कर सकता है. सो बैंक सपोज इसको लोन के तौर पर आगे फॉरवर्ड करता है तो दिस इज कॉल्ड योर सेकेंडरी डिपॉजिट. इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू सेकेंडरी डिपॉजिट मींस द लोन बैंक इज अप्रूविंग टू द पीपल.
ये 8,000 रुपए एज अ लोन जो है वो किस सपोज पर्सन ए को बैंक ने दे दिए, तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि 8,000 रुपीज बैंक पर्सन ए को एज अ कैश नहीं देगा, वो सिर्फ मिस्टर ए के फेवर में एक अकाउंट खोलेगा जिसमें वो इस 8,000 को क्रेडिट कर देगा। अब ये 8,000 रुपीज जो है वो ए के अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो क्या ये पैसे कहाँ है? दिस 8,000 इज स्टिल विद द बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि वो ए जो है इस 8,000 रुपीज से जो भी पेमेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ चेक, हम इस अजम्पशन पर है कि सारे रिसीप्ट और पेमेंट मिस्टर ए जो भी पेमेंट करेगा इस 8,000 रुपीज में, दैट विल बी विद द बैंकिंग सिस्टम, चाहे वो एक बार में इस पूरे 8,000 को किसी को पे कर देता है या दो बार में करता है, बट दिस अमाउंट विल बी विद द बैंक ओनली। ये बैंकिंग सिस्टम में ही है ये पैसा अभी तक। अब बैंक के पास ये बैंकिंग सिस्टम में ये पैसा है तो बैंक क्या करेगा इसका? सपोज पर्सन बी आया, उसने बैंक से लोन मांगा, तो बैंक ने अब अपने पास जो पर्सन ए को लोन दिया है उसके लिए रिजर्व रखा 20% ऑफ 8,000, दैट इज 1,600। पर्सन ए के लिए को जो लोन अप्रूव किया हुआ है उसका 20% बनता है 1,600 एज अ रिजर्व अपने पास रखा कि कोई विड्रॉल अगर होता है तो बैंक कैन पे टू मिस्टर ए। रेस्ट दैट 6,400 बैंक के पास फिर से सरप्लस होता है, उसके पास ये पैसा अब सरप्लस है। सपोज मिस्टर बी आया, उसने बैंक से लोन 6,400 के लिए अप्लाई किया, बैंक हैज सैंक्शन दैट 6,400 टू दैट पर्सन, बैंक फिर से उसको 6,400 के लिए लोन सैंक्शन कर देगा। अगेन द सेम थिंग इज ओवर हियर कि बैंक क्या मिस्टर बी को 6,400 एज अ कैश दे देगा? नो, बैंक मिस्टर बी के लिए एक अकाउंट खोलेगा और उसमें 6,400 रुपीज को क्रेडिट कर देगा उसके लिए। स्टिल दैट 6,400 इज विद द बैंकिंग सिस्टम। अभी भी ये 6,400 रुपए जो है वो बैंक के पास ही हैं। अब अगर ये बी इसमें से कुछ पेमेंट करता है तो भी वो बैंकिंग सिस्टम में ही रहता है। हम इस अजम्पशन पर चल रहे हैं कि रिसीप्ट्स और पेमेंट्स जो है वो बैंक्स के थ्रू हो रही हैं। अब बैंक बी के लिए, बी की कोई विड्रॉल अगर होती है तो उसके लिए फिर से 20% फॉर द सेफर पार्ट कि बी की तरफ से कोई विड्रॉल आती है तो उसके लिए 20% जो है वो 1,280 रुपए अपने पास एज अ रिजर्व रखे और ये 5,120 रुपीज इफ फर्दर एनीवन इज कमिंग टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक कैन गिव दैट मच लोन टू द नेक्स्ट पर्सन। अब बात यह आती है कि ये प्रोसीजर जो चल रहा है ये कब तक चलता है? ये प्रोसीजर तब तक चलता है जब तक कि बैंक के पास एक्चुअल डिपॉजिट कितना था, दैट वॉज 10,000। बैंक के पास थे 10,000 रुपीज। जब तक कि इस प्रोसीजर में, अब ये बैंक अपने पास जो रिजर्व के तौर पे रख रहा है 2,000, 1,600, 1,280 जो भी अपने पास रखता जा रहा है, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 10,000 बिकॉज बैंक वॉज हैविंग 10,000 ओनली। और बैंक ने अब कितने का लोन क्रिएट कर दिया है? थे तो बैंक के पास 10,000 बट उसने लोन कितने का क्रिएट कर दिया है, दैट इज ऑफ 50,000। सो हाउ कैन वी नो दिस विल बी 50,000, द टोटल ऑफ ऑल द अमाउंट्स विल बी 50,000। इन माई प्रीवियस वीडियो इवन आई हैव टोल्ड यू दैट क्रेडिट मल्टीप्लायर, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मल्टीप्लायर की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअल डिपॉजिट और यू कैन से प्राइमरी डिपॉजिट से एक कमर्शियल बैंक जो वो कितने गुना लोन सैंक्शन कर सकता है। सो हियर आर LRR रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो और रिक्वायर्ड रिजर्व 20% था, वी हैव टेकन इट।
तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है और मल्टीप्लायर इज 5 times. So we were having actual reserve that was 10,000 और इसका 5 गुना होता है 50,000. So banks has created 5 times loan with the help of this 10,000 with this procedure. इस तरीके से करता है. Primary deposit was 10,000. Bank has created the loans that is 40 and the total deposits of the bank are now 50,000. अब bank के पास है 50,000 total deposits. ठीक है, जो जो उसकी primary deposit भी है और उसकी secondary deposits भी है. तो bank जो है उसके पास 50,000 हो जाता है. 5 times जो उसके actual reserves होते हैं उसका 5 गुना है bank के पास अब 50,000. क्लियर. इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है कि बैंक जो है कितना तक क्रिएट करेंगे, मतलब बैंक्स की टोटल डिपॉजिट कितनी हो जाएंगी 10 से 50 तक हो जाती है. देयर इज अनदर फॉर्मूला 1/RR रिजर्व रिक्वायर्ड दैट वी हैव टेकन 20% एंड द कैश रिजर्व और यू कैन से द प्राइमरी डिपॉजिट विद द बैंक दैट वाज 10,000. व्हेन विल सॉल्व इट फर्दर इट विल बी 50,000. बैंक के पास टोटल डिपॉजिट हो जाती है 50,000 जिसमें से उसने लोन क्रिएट किया है 40 और उसके पास एक्चुअल में रिजर्व्स है 10,000 rupees. सो प्लीज लिसन ट्वाइस टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड कीप दिस अजम्पशन इन योर माइंड एंड इफ यू विल टेक दिस टेबल फॉर द डिफरेंस बैंक तो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा. तो आप सभी बैंकिंग यूनिट्स इसके बीच में इंटर बैंकिंग क्लेम्स भी आते हैं. अगर इन रिजर्व्स के अलावा कमर्शियल बैंक्स को और ज्यादा पैसे की कभी जरूरत पड़ती है तो बैंक्स कैन टेक लोन फ्रॉम द आरबीआई एज अ फंक्शन ऑफ आरबीआई. आई हैव टोल्ड यू द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कमर्शियल बैंक्स को. इसके अलावा अगर पैसे की जरूरत कभी पड़ती है इन क्राइसिस द आरबीआई कैन हेल्प कमर्शियल बैंक्स टू बी आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. Please listen twice to understand. Thank you, students.